और दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, उनका जीना मुहाल हो गया, लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी उफान पर है। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लगातार दूसरे महीने गोदावरी नदी ने खतरे के दूसरे स्तर को पार कर लिया है और दूसरी ओर कृष्णा नदी पर बने प्रमुख बांध भी पूरी तरह से भरे हुए हैं। कई गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोना सीमा जिले में भी बाढ़ की वजह से निचले इलाकों के कई गांवों पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। गांव वालों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संबंधित जिलों के अफसरों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने को कहा है, क्योंकि नदियों में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। NDRF और SDRF की 3-3 टीमें BR अम्बेडकर, कोना सीमा, अलसूरी सीताराम राजू और एलुरू जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात की गई हैं, क्योंकि कई मंडल बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच केंद्र सरकार की एक टीम जुलाई में आई बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए चिंतूर एजेंसी का दौरा किया। कल कोना सीमा में हुए नुकसान का जायजा लिया गया, जिसकी जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को दी गई है।